गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज की इस व्याकरण क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको व्याकरण एक्सरसाइज के रूप में बता रहा हूँ। इससे पहले हमने ये लेसन आपको पढ़ा दिया है, अब रिवीजन के रूप में एक्सरसाइज के रूप में प्रश्नोत्तर कार्य हम आपको बता दें। सबसे पहला प्रश्न है इसमें शब्द किसे कहते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द के वर्ण से शब्द बनते हैं और वर्णों के सार्थक समूह को मेल को शब्द कहते हैं, जैसे कमल। संस्कृत के जो शब्द हिंदी में बिना परिवर्तन यानी अपने मूल रूप में प्रयोग में लाए जा रहे हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं।
इसे बता रहे हैं, संस्कृत के जो शब्द हिंदी में बिना परिवर्तन के अर्थात मूल रूप में परिवर्तन प्रयोग में लाए जा रहे हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि संस्कृत भाषा के कुछ ऐसे शब्द हैं जो यथावत बिना परिवर्तन के हिंदी में भी प्रयोग में लाए जा रहे हैं, ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य, सूर्य संस्कृत शब्द, जल, बालक, प्रकाश, कृषक, अग्नि, दृश्य, विद्यार्थी, कर्म, रात्रि, हस्त, पुत्र, ये सब संस्कृत के शब्द, और इनको इसी रूप में बिना परिवर्तन के इसी रूप में हिंदी में भी प्रयोग में लाया जा रहा है या ये लाए जाते हैं, इसलिए इन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तो संस्कृत के जो शब्द, संस्कृत के जो शब्द अपने रूप मूल रूप में ही हिंदी में आए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। इससे संस्कृत के जो शब्द अपने मूल रूप में ही हिंदी में आए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। अब देखें तद्भव शब्द, संस्कृत के कुछ शब्द कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं, इन्हें तद्भव शब्द। संस्कृत के जो शब्द कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं या लाए जा रहे हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे सच, चांद, घर, घड़ा, हाथ, कुआं, ये सब क्या है, तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो परीक्षा में आता है तत्सम शब्द से तद्भव शब्द। तत्सम शब्द पहले बता दें, सत्य, सत्य तत्सम शब्द, इसके तद्भव रूप होगा सच। चंद्र ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होगा चांद। घट ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होगा घड़ा। हस्त ये तत्सम शब्द है, तद्भव रूप होगा हाथ। कुप तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होगा कुप। तो ये हैं कुछ ऐसे शब्द जिन्हें तद्भव हम कह सकते हैं। अब बता रहे हैं देशक शब्द किसे कहते हैं, जो शब्द परिस्थिति एवं आवश्यकता के अनुसार देसी भाषा और बोलियों से लिए जाते हैं आदि से लेकर बनाए जाते हैं उन्हें देशक शब्द कहते हैं। जो शब्द परिस्थिति के अनुसार आवश्यकता के अनुसार देसी बोलियों से भाषाओं से लिए जाते हैं उन्हें देशक शब्द कहते हैं। जैसे कोली, खुरपा, खिड़की, भिंडी, रोटी, चूहा, पगड़ी, डिबिया, पेड़, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम देशक शब्द कह सकते हैं। जो शब्द गांव देहात की भाषा से बोलियों से हिंदी भाषा में आए हैं उन्हें देशक शब्द कहते हैं। अच्छा, क्षेत्रीय प्रभाव से भी ये आते हैं, भिंडी, गाड़ी, मोटा, खिड़की, खिचड़ी, ये सब देशक शब्द कहलाते हैं। और अंत में है विदेशी शब्द। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हिंदी एक विशाल भाषा है, इसमें अंग्रेजी के शब्द हैं, अरबी, फारसी के शब्द हैं, तुर्की, पुर्तगाली हैं, और गुजराती, पंजाबी आदि अनेक भाषाओं के शब्द हैं। तो इसलिए जो शब्द हैं, जो शब्द दूसरी भाषा के और हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जो
जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में प्रयोग में लाए गए हैं या लाए जा रहे हैं उन्हें विदेशी या आगत शब्द भी कहते हैं, उनको आगत शब्द भी कहा जाता है। जैसे अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द हैं जो हिंदी भाषा में प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे अफसर, इंजन, स्टेशन, रेल, सिनेमा, कंप्यूटर, बॉक्स, ऑफिस, ये सब अंग्रेजी के शब्द हैं जो हिंदी में भी इसी रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। फारसी के शब्द हैं जो हिंदी में बोले जाते हैं, अफसोस, आबरू, आमदनी हैं, जादू, सौदा, सौदागर आदि। अरबी भाषा के शब्द देखिए, अकल, अमीर, अक्सर, आदमी, इनाम, इज्जत, ये अरबी भाषा के शब्द हैं जो हिंदी में प्रचलित हैं। तुर्की भाषा के शब्द देखिए, कालीन, कुली, कैची। पुर्तगाली के शब्द अनायश, अलमारी, गोदाम, गमला, बाल्टी, तौलिया आदि। तो इस प्रकार अब हम आपको रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं, रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। तो रचना के आधार पर वाक्य के तीन प्रकार होते हैं। रूढ़ शब्द हैं, रूढ़ शब्द जो शब्द सम में पूर्ण हो, जो शब्द सम में पूर्ण हो और दूसरे शब्दों के योग से ना बने उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। इन शब्दों के सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे पुस्तक, फूल, दूध, आदमी आदि। रूढ़ शब्दों को मूल शब्द भी कहते हैं। ये शब्द बोलते ही हमारी आंखों के सामने इन वस्तुओं की छवि सामने आ जाती है, ये रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जो शब्द किसी वस्तु विशेष के अर्थ को प्रकट करते हैं और तथा उनके खंड करने का कोई अर्थ नहीं निकलता उन्हें वो शब्द कहा जाता है, जैसे शिक्षा, पूजा, हाथ आदि। अब बता रहे हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वे शब्द जो किसी मूल शब्द में अन्य शब्द या शब्दांश लगाने से बनते हैं। जो शब्द वे शब्द जो किसी मूल शब्द में अन्य शब्द या शब्दांश लगाने से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे कर्म भूमि, कर्म प्लस भूमि, राजपुत्र, राज प्लस पुत्र, व्यायामशाला, व्याम प्रतशाला, ईश्वर भक्ति, ईश्वर प्लस भक्ति, सेनापति, सेना प्लस पति। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मूल शब्द के साथ कुछ शब्दों को जोड़ा गया है, जिसको आजकल हम उपसर्ग या प्रत्यय भी कहते हैं। पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय। तो ये वे शब्द हैं जो मूल शब्द के साथ अन्य शब्द को जोड़ने से बनते हैं। अब तीसरा है योगऋण शब्द। योगऋण शब्द सार्थक खंडों के योग से बने विशेष अर्थ, सार्थक खंडों के योग से बने विशेष अर्थ वाले शब्दों को योगऋण कहते हैं। समास में इनका प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है, जैसे पंकज यानी पंख में जन्मा निकमल, निशाचर रात में विचरण करने वाला, रात में विचरण करने वाला, अर्थात विशेष अर्थ क्या होगा इसको, राक्षस है। लंबोदर, लंबा लंबा उदर वाला, विशेष अर्थ में गणेश। तो पीताम्बर का अर्थ है पीला वस्त्र धारण करने वाला, लेकिन यहाँ पर पीताम्बर का अर्थ है पीला वस्त्र धारण करने वाले श्री कृष्ण से इसका अर्थ है। तो जो शब्द यौगिक होते हुए किसी एक ही अर्थ में रूढ़ होते हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। तो अब अर्थ के आधार पर आपको शब्दों का भेद बता रहे हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के कई भेद हैं, जैसे एकार्थी शब्द,
अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, श्रुत सम भिन्नार्थक शब्द। परीक्षा में ऐसा आता है, एकार्थी शब्द किसे कहते हैं, अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, विलोम शब्द किसे कहते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए, हैं? तो ऐसे सवाल परीक्षा में आते हैं। तो ऐसे में आप क्या लिखेंगे उत्तर, उसको हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखो एकार्थी शब्द, हैं? जिन शब्दों का एक ही एक निश्चित अर्थ होता है, जिन शब्दों का निश्चित एक अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य, हर्ष, हैं? मित्र आदि, ये एकार्थी शब्द कहलाते हैं। अनेकार्थी शब्द जिन शब्दों का एक से ज़्यादा अर्थ होता है, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ हों उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे फल, फल का अर्थ परिणाम होता है और फल का मतलब खाने वाला फल भी होता है। जैसे तीर, तीर का मतलब है किनारा, नदी का किनारा को तीर कहते हैं, तीर का अर्थ बाण भी होता है। घन, घन का अर्थ बादल भी होता है, घन का अर्थ हथौड़ा भी होता है। काल, काल का अर्थ समय है, मृत्यु है, जन्माच है। तो इस प्रकार एक से अधिक अर्थ बताने वाले शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। परीक्षा में ये आता है, अनेकार्थी शब्दों के अर्थ होते हैं, दो दो अर्थ होते हैं, पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द। परीक्षा में आता है कि पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द किसे कहते हैं, समान अर्थ को प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। समान अर्थ को बताने वाले शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, अग्नि मतलब आग, अग्नि का मतलब होता है आग, और अग्नि का और भी बहुत सारे अर्थ हैं। और देखिए आँख, आँख का अर्थ है नयन, नेत्र, रोचन। ईश्वर, परमेश्वर, प्रभु, भगवान, ईश, आकाश, गगन, गगन, अंबर, आसमान, नव, चंद्रमा, चांद, शशि, सुधाकर, मेघ, जलधर, घन, बादल, रात्रि, रात, निशा, रजनी, तो ये है समानार्थी शब्द। अब है विलोम शब्द, परस्पर उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। परीक्षा में आता है विलोम शब्द किसे कहते हैं, तो उत्तर होगा जो शब्द किसी शब्द का विपरीत अथवा उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अंधकार, प्रकाश, अंधकार का विपरीत क्या होगा, प्रकाश। अनुच, अग्रज, अनुकूल, प्रतिकूल, अमीर, गरीब, आस्तिक, नास्तिक, निरक्षर, साक्षर, कुल, काटा, सजीव, निर्जीव, सबल, निर्बल, तो ये हैं विपरीतार्थक या विलोम शब्द। अब है वाक्यांश के लिए एक या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। भाषा को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे जिसका कोई शब्द ना हो आजाद शब्द, जिसका अंत ना हो अनंत, जिसका भाग्य अच्छा ना हो अभागा, जो दूसरों से ईर्ष्या करता हो ईर्ष्यालु, जो मांस खाता हो मांसाहारी, जो जिसके पास धन ना हो निर्धन, तो ये हैं वाक्यांश के लिए। अब है श्रुत सम भिन्नार्थक शब्द, जो शब्द सुनने में समान लगते हैं
पर उनके अर्थ में अंतर होता है। जो अर्थ सुनने में समान लगते हैं परंतु उनके अर्थ में अंतर होता है उन्हें सूत्रसम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कटी का में छोटी एक मात्र, कटी का अर्थ कमर होने, कटी का अर्थ कटी हुई भी, गृह है गृह का अर्थ घर होता है, और ग्रह ग्रह का अर्थ है नक्षत्र। दोनों में थोड़ा अंतर, गृह मतलब घर, ग्रह मतलब नक्षत्र। तो इस प्रकार ये भिन्नार्थक शब्द है। प्रयोग के आधार पर देखो, प्रयोग के आधार शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं, परीक्षा में आता है। वे शब्द जिनके रूप में लिंग वचन कारक काल के अनुसार परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द, जैसे संज्ञा सर्वनाम क्रिया और क्रिया और विशेषण। ये चार जो हैं वो विकारी हैं, क्योंकि इनमें लिंग वचन कारक और काल के अनुसार परिवर्तन है। तो वे शब्द जिनके रूप में लिंग वचन कारक काल के अनुसार परिवर्तन हो उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का, संज्ञा में देखो लड़का लड़की, लड़के लड़कियां, परिवर्तन है ना इसमें। हाँ, अविकारी शब्द वे शब्द जिनके रूप में लिंग वचन कारक काल के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उसे अविकारी शब्द कहते हैं। इसमें आता है देखो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मादि बोधक और निपात, ये सब अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो एक्सरसाइज है इसमें देखिए प्रश्नोत्तर हमने आपको बताया है, और मल्टीपल चॉइस में आपको सभी पाठ के, ग्रामर पुस्तक के सभी पाठ के प्रश्नोत्तर मोबाइल में भेज दिया है। आप उसमें से देखकर या किताब से देखकर ये सब परीक्षण जो शीर्षक है पेज नंबर 39 उसको खोल कर बनाए, वो उसको आप आराम से बना सकते हैं। उसमें कठिन कुछ जैसे पहला है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव रूप नहीं, अंधेरा मोर रात और सब, तो तद्भव जो नहीं है उसको इसमें छाट कर। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रश्नोत्तर हैं जो आप बना सकते हैं, उसको आप बनाइए। अगर कुछ कठिन हो तो हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको इसमें मदद करेंगे। देखिए कल हमने आपको उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में बताया, और आज उसमें हम समास को भी जोड़ रहे हैं, उसको आप समझिए। समास किसे कहते हैं, समास के कितने भेद हैं, उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आगे कुछ और भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं समास किसे कहते हैं, परीक्षा में आता है समास के कितने भेद हैं, उनके नाम लिखिए, ये भी परीक्षा में आता है। तो समास, समास का अर्थ होता है संक्षेप, छोटा संक्षेप कर है? जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनाया जाता है तो उसे समास कहते हैं। जैसे राजकुमार, राज प्लस कुमार, दो शब्द, राज एक शब्द है, कुमार एक शब्द, और इसका अर्थ है राजा का कुमार। तो दोनों शब्द जो हम मिला दिए तो क्या बन गया, राजकुमार सेनापति, यानी सेना का पति। सेना एक अलग चीज है, पति एक अलग चीज है। तो इस प्रकार दो शब्दों के जहाँ
दो शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनना पड़ता है। तो इस नए शब्द को बनाने की जो विधि है उसी को समास कहते हैं। समास में दो पद, पहला पद और दूसरा पद। पहला पद पूर्व पद कहलाता है और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। और इन दोनों के मेल से जो शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। जैसे
हाँ जन निडर यथाशक्ति भरपेट ये सब अव्यय भाव समास के उदाहरण। अब क्या भर पेट का विग्रह करेंगे, पेट भर का, पेट भर का, यथाशक्ति का शक्ति के अनुसार विग्रह करेंगे, शक्ति के अनुसार। तो इस प्रकार जिस समस्त पदों का पहला पद अव्यय होता है, अव्यय होता है और प्रधान होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। प्रतिदिन आजीवन है, यथाशक्ति और यथाविधि, अथवा बेखटके, बेशक, निशक अव्यय भाव समास के उदाहरण हैं। अब है कर्मधारी समास, परीक्षा में आता है कर्मधारी समास किसे कहते हैं, उदाहरण से तो लिखोगे आप, जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, या पहला पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है, दोनों उसे कर्मधारी समास कहते हैं। जैसा नीलकंठ विग्रह करेंगे, नीला है कंठ, है पीतांबर, पीत है अंबर, अधमरा अधा है जो मरा, प्राण प्रिय प्राणों के समान प्रिय, चंद्रमुख विग्रह होगा चंद्र के समान मुख, मृग नयन मृग के समान नयन। तो इसमें हम देख रहे हैं इसका पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष है, इसलिए क्या है कर्मधारय समास है। अब बता रहे हैं द्विगु समास, जिस समास में पहला पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास है। जिस समास में पहला पद यानी पूर्व पद संख्यावाचक हो है उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे सप्ताह, सप्ताह मतलब सात, सात संख्या है, नवरत्न यानी नौ, दोपहर दोपहर यानी दो, पंचवटी यानी पाँच, चौमासा यानी चार, तिरंगा मतलब तीन, त्रिभुज यानी तीन, चौराहा मतलब चार, नवरात्रि मतलब नवरात्र। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, ये पहला पद संख्यावाचक है, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। इसका विग्रह कैसे होगा, सप्ताह का विग्रह करेंगे, सात दिनों का समूह, पंचवटी पांच वटों का समूह, चौमासा चार मासों का समूह, त्रिभुज तीन भुजाओं का समूह, नवरात्रि नौ रातों का समूह। इस प्रकार ये द्विगु समास। अब द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो और तथा और लगने से विग्रह हो जाता है, वहाँ द्वंद्व समास होता है। जैसे सुख दुख विग्रह करेंगे, सुख और दुख मतलब और शब्द लगा, तथा शब्द भी लगता है या शब्द भी लगता है विग्रह करने से। द्वंद्व समास में विग्रह करेंगे तो और शब्द लगता है या शब्द लगता है या तथा शब्द। तो सुख दुख, सुख और दुख, इसमें दोनों पद प्रधान, द्वंद्व समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान होते हैं। नर नारी, नर और नारी, अपना पराया, अपना और पराया, खरा खोटा, खरा या खोटा, ऊंच नीच, ऊंच या नीच, समझ गए। तो इस प्रकार ये द्वंद्व समास है और द्वंद्व समास में पूर्व पद उत्तर पद दोनों पद प्रधान होते हैं। समास, जिस समास में दोनों पद प्रधान होकर कोई तीसरा पद प्रधान होता है, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान ना होकर किसी तीसरे अर्थ को संकेत करता है, वह तीसरा पद प्रधान होता है, वह
वहाँ बहु नहीं समास होता है। जैसा पीताम्बर पीला है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु। नीलकंठ नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शंकर। लंबोदर लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। विषधर विष को धारण करने वाला। सर्प सर्प होता है ना। चतुर्भुज चार भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु। इस प्रकार हमने देखा कि समास में बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण यहाँ दिए हैं। तुम्हारी किताब में बहुत अच्छा दिया, समझाया बहुत अच्छा दिया। इसको पढ़कर आप उसको समझ सकते हैं। और जो कार्य इसमें पेज नंबर 25 में दिया है, इसके सब उत्तर किताब में हैं और आपके मोबाइल में भी हैं। इसमें से छाट कर आप लिख सकते हैं। अब हम आपको सत्व भंडार का मिशन नंबर 5 में सत्व भंडार से कल आपको बताएंगे, क्योंकि अभी हमने बताया भी आपको, तो इसलिए कल नए से विस्तार से बताएंगे। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।